आज तो मजा आ जाएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चॉकलेट लवर्स के लिए हेवन चॉकलेट ब्राउनी विद नट्स एंड चॉको चिप्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? वेलकम टू माय चैनल सिल्वी कुक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मजा आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का रेसिपी। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा बेकिंग से पहले कि हमें होममेड ओवन तैयार करना है अपनी कढ़ाई के अंदर। मैंने एक ब्रॉड कढ़ाई लिया है, उसमें डाला है मैंने 1 किलो नमक। नमक आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, आप इसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। उसमें एक स्टैंड रखा है मैंने और इसे प्री हीट करने के लिए रख दूंगी कम से कम 10 से 12 मिनट सिमसेक पे। और जब तक हम ये प्री हीट करेंगे तब तक हमारा बैटर भी रेडी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने लेने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसे करना है सीव्स। मैंने लिया है 3/4 कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, सॉल्ट 1/4 टीस्पून और बेकिंग पाउडर रहेगा 2 टीस्पून। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी अपने ब्राउनी के लिए ये सब रूम टेम्परेचर पे ही हैं। मैंने कुछ भी ठंडा या गर्म मैंने नहीं लिया है। बस इन सब इंग्रेडिएंट्स को सीव करने के बाद हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे रेडी। इसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी के लिए डबल बॉयलर मेथड से सबसे पहले हम अपना बटर और चॉकलेट को करेंगे मेल्ट। मैंने एक पैन के अंदर आधा फिल किया है पानी के साथ और ऊपर मैंने हीट प्रूफ डिश रखा है। इसमें मैंने डाला है 1/2 कप बटर और 1 कप चॉकलेट को और इसे हमने मेल्ट करना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा हम इसे एक अलग से सरफेस पे रख देंगे, रिमूव कर देंगे फ्लेम से। और हमने इसमें डालना है 3/4 कप शुगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे हमने अच्छे से करना है मिक्स 1 से 2 मिनट। याद रखिए 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद हम डालेंगे दही जो रहेगा 3/4 कप। याद रखिए फ्रेश दही लीजिए, पुराना खट्टा दही नहीं लीजिएगा। और इसे हमने तब तक मिक्स करना है अच्छे से जब तक हमारे शुगर पूरा मिक्स नहीं हो जाएगा। इट विल टेक लाइक 7 to 8 मिनट्स। इसके बाद इन वेट इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। लेकिन याद रखिए सिर्फ हमने फोल्ड करना है, ओवर मिक्स नहीं करेंगे हम। इसे मिक्स करने के बाद मैंने बटर पेपर लगा के अपनी डिश जौन सी है उसको रेडी कर लिया है। याद रखिए कढ़ाई मैंने उसी साइज के लिए है कि मेरी डिश उसमें आ जाए। मेरा डिश थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने उसे फॉइल पेपर से थोड़ा सा साइड से गैप देके उसको तैयार किया है। मैंने इसे लो टू मीडियम हीट पे 20 से 25 मिनट बाद चेक करना है। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ब्राउनी। इसमें मैंने अपने ना देसी घी में थोड़े से कैश्यू नट्स को भी मैंने रोस्ट करके रखा है उनको डाल देंगे और चॉको चिप्स को मैंने वैसे रखा हुआ है तो वो भी ऊपर से पोर करके कम से कम 25 मिनट और मतलब टोटल 45 मिनट्स तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे हम इसे रख देंगे। याद रखिए 25 मिनट बाद या 20 मिनट बाद अभी एक बार चेक किया है, उसके बाद ढक के हैवी किसी भी चीज़ के साथ इसको ढका था मैंने एक बार चेक किया है और दूसरी बार मैं टोटल 45 मिनट्स बाद चेक करूंगी। इसे बार बार चेक नहीं कीजिएगा नहीं तो हीट एस्केप होके आपका ब्राउनी करेक्टली अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। इसे चेक करने के लिए टूथपिक लगा के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका टूथपिक बिल्कुल क्लीन आता है बाहर तो इसका मतलब आपका ब्राउनी हो गया है रेडी। देखिए 45 मिनट्स बाद मैं चेक कर रही हूँ तो अभी थोड़ा सा मेरा अभी इसमें कसर बाकी है, थोड़ा सा आ रहा है बैटर साथ में। तो मैं 10 मिनट बाद इसे फिर चेक करती हूँ, ऑलमोस्ट लगते हैं मुझे 55 मिनट्स। प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एक फ्लेम अलग होता है, किसी का तेज़ है किसी का स्लो है तो चेक रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मज़ा आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को,
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी। देखिए कितनी डिलिशियस लग रही है ना हमारी ब्राउनी। इसे मैंने आप कोई भी अपने मनपसंद के चॉकलेट सिरप के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thank you.